आबकारी विभाग ने बुधवार को अवैध कच्ची शराब बनाने वाले कारोबारियों पर छापेमारी की, जिसके संबंध में आबकारी निरीक्षक कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि आबकारी टीम ने थाना बेलघाट के रापतपुर एवं नरगड़ा और दिवरा गांव में छापेमारी की। इस दौरान वहां से 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुआ और 5 कुंतल लहन को नष्ट किया गया। इसी के साथ 2 महिला कारोबारियों को हिरासत में लिया गया, जिसकी पहचान मीना निषाद पत्नी राम सिंह निषाद तथा रूबी निषाद पत्नी राम जतन निषाद के रूप में हुई। आबकारी निरीक्षक ने बताया कि दोनों महिलाओं के ऊपर आबकारी अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। छापेमारी में आबकारी सिपाही शिव सागर, ऋतु प्रकाश चौधरी, शिवेंद्र तिवारी, अमित कुमार श्रीवास्तव, प्रदीप कुमार, धर्मेंद्र चौधरी, मुरलीधर शामिल हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आबकारी निरीक्षक कृष्ण कुमार सिंह ने कहा, उसको दबाओ उल्टा उसको दबाओ, ऐसे दबाने से ही निकल जाएगा पूरा। कैसे पकड़ा फिर कोचा नहीं खींचा? ये जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा जो प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत तहसील खजनी के थाना बेलघाट के अंतर्गत नरगड़ा जग्गा सिंह ग्राम और रापतपुर ग्राम में अभियान चलाया गया है। वहाँ से 2 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं और 30 लीटर शराब की बरामदगी की गई है। हाँ, उसके पीछे नरगड़ा जग्गा सिंह ग्राम के पीछे दीवारा क्षेत्र से में 6 भट्टियों को तोड़ा गया है और 5000 किलोग्राम के लगभग लहन को नष्ट किया गया है। ये कार्रवाई जब तक अवैध शराब की बिक्री और निर्माण कार्य बंद नहीं हो जाता है, तब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी।